मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं कि बलराम ऐसा कुछ कर सकता है। इसे दोषी मानना मेरे लिए कोई पाप से कम नहीं। देव, राष्ट्रपति के निर्णय मन से नहीं लिए जाते। अगर इसने अपराध किया है तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। जब तक अपराध साबित ना हो जाए किसी को अपराधी ठहराना ठीक नहीं है विराट भैया। देखो राधिका, बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। बच्चा है, नादानी हो गई, गायों को संभालने का काम सौंपा था इसे, अब उसमें लापरवाही हो गई। लापरवाही का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता विराट भैया। अगर अनुभव हो तो कोई लापरवाह हो ही नहीं सकता। मैंने बलराम को मठ की गौशाला का काम इसलिए सौंपा था क्योंकि इसके पास अच्छा अनुभव था। पर अब सारे मठ वाले इसे दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि सबको लगता है कि इतने अनुभव के साथ कोई गलती कर ही नहीं सकता। पर इसके पास अब 20 घंटे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। हो सकता है वो अपनी बेगुनाही साबित कर दे। ये निर्दोष है और वो साबित भी हो जाएगा। हाँ राधिका, मैं खुद छानबीन करूंगा और बलराम को निर्दोष साबित करूंगा। पर ये तो राजपुरोहिती न्याय धर्म के खिलाफ होगा। आप न्यायाधीश हैं, आपको निष्पक्ष होकर निर्णय लेना है। अगर आप खुद इसे निर्दोष साबित करने के लिए छानबीन करेंगे तो सब आपकी निष्पक्षता पर उंगली उठाएंगे। बलराम को अपनी बेगुनाही खुद ही साबित करनी होगी। भैया कह रहे थे कि लोगों ने बलराम को गौशाला में सोते हुए पाया था। छोटी माँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और घर आने के बजाय वो वहीं पर रह गया। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं बलराम? तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे देते ना, कम से कम जिम्मेदारी हाथ में रखकर। हाँ छोटी माँ, कम से कम जिम्मेदारी हाथ में रखकर इसे इतना गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। खैर छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। अगर इसकी शुभ चिंतकों ने चाहा तो ये निर्दोष साबित हो जाएगा। सवेरे से बरखा घर में ही थी पर विराट वो मठ में था। आप जब वैद्य जी के पास दवाई लेने गए या फिर जब आप गलत दवा खाकर सो गए थे तभी ये काम हुआ है। उस विराट को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। दाऊ, आप फिर से क्रोध के घोड़े पर सवार हो गए। यहाँ हमें दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि हमारे शत्रु ने बहुत सोच समझकर चाल चली है। बहुत पक्के खिलाड़ी है सारे। चाहे जितना भी पक्के खिलाड़ी हो लेकिन अच्छे से अच्छा चोर भी सुराग छोड़ जाता है। हमें भी वही सुराग ढूंढना है। गौशाला जाके? आपको याद है माखन चुराते समय एक बार मेरी बंसी छूट गई थी और सब गोकुल वालों को पता चल गया था कि माखन हमने चुराया है। हाँ, पर जब हमसे भूल हो सकती है ये तो फिर मनुष्य है। कोई ना कोई भूल अवश्य हुई होगी। काला, इसमें से जो गलत आ रही है वो इसमें भी है। लाइए। ये दवाई क्या हो सकती है?
पर तूने ये सब किया कैसे? सुबह से मौके की तलाश में था, फिर जब वैद्य जी उस बलराम को दवाई वाई देके वहां से निकले तब मैं वहां गया और एक खाली शीशी में वो जहरीली दवाई भर ली और वहां से निकल गया। बस काम मुश्किल था लेकिन मेरे लिए नहीं। अपनी तारीफ सुनने का मन है विराट भैया? होना भी चाहिए, आपने काम ही इतना बढ़िया किया है। अब तो मुझे बस कल के सूरज का इंतजार है। एक बात बताइए, दवाई मिलाने के बाद आपने वो खाली बोतलें कहाँ रखी? एक कोने में फेंक दी थी। मैं जानती थी आप कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। पर हुआ क्या है? अरे देव ने वो बलराम को 24 घंटे की मोहलत दी है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब अगर वो बोतलें नकली राधिका के हाथ लग गई तो हेलो, गौशाला के मुख्य द्वार को ताला लगा दीजिए। कल जब तक गौशाला के मामले का फैसला नहीं हो जाता किसी को अंदर आने मत देना, समझ गए? यही रुकना, मुझे पता लगाना होगा द्वार इस तरह से बंद क्यों है। पीतांबरा पीठ के वैद्य जी ने भेजा है गायों के लिए जड़ी बूटी के साथ। माफ कीजिएगा, राजपुरोहिताइन जी का फोन आया था कि किसी को भी गौशाला के अंदर नहीं जाने दिया जाए। उन्हें फोन करके पूछना होगा कि आपको अंदर जाने दिया जाए या नहीं। अब उन्हें परेशान मत कीजिए, ये जड़ी बूटियाँ मटके वैद्य जी को देना ठीक होगा। अंदर जाना ही होगा, बरखा ने किसी को भी गौशाला में जाने से मना किया है, मतलब कुछ तो है वहाँ। कहे तो इन चौकीदारों को उठा कर फेंक देता हूँ। नहीं दाऊ, कोई और तरीका ढूंढना होगा और वो भी जल्दी, रात होने वाली है और अंधेरे में गौशाला में कुछ नहीं दिखाई देगा। आइए मेरे साथ।
पत्थर किसने फेंका? और ये शीशी मटके निरोग गाड़ी से। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक षड्यंत्र है बलराम को फंसाने के। इस हद तक कौन गिर सकता है? बलराम से बदला लेने के लिए मटकी गायों को नुकसान पहुंचा रहा है, मटके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर। ऐसी ही बोतल में से वैद्य जी ने मुझे गोलियां बाल के दी थी। आपको बोतल नहीं दी? नहीं, मुझे तो पुड़िया में बाल के दी थी। फिर ये बोतल यहाँ कैसे? इसमें तो अजीब सी गंध आ रही है। काला, इसमें से जो गल आ रही है वो इसमें भी है। लाइए। ये दवाई क्या हो सकती है? ये सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। कौन? वैजी। तुम इस कवाले के साथ? क्या बात है, गायों को बचाने में मदद करने वाली गायों को मारने वाले के साथ? नहीं बैजी, बलराम निर्दोष है और इसी बात को साबित करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। बैजी, इस बोतल में से जो गंध आ रही है वही गंध चारी में से आ रही है। देखकर बताइए ना, ये कौन सी दवा है? तो निराकेले की शीशी है। यही तो आपसे पूछने हैं वैद्य जी। यही दवा चारे में मिलाई गई थी जिसके कारण गौ माता बीमार हुई है। देखो राज पुरोहित जी, और बिना राज पुरोहितायन की अनुमति के मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। राज पुरोहित जी ने खुद इसे 24 घंटे दिए हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। इसीलिए ना, क्योंकि राज पुरोहित जी भी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बलराम निर्दोष है। वैजी, आपको भी इस बच्चे को बचाने में हमारा सहयोग देना होगा। देखो, मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर बिना राज पुरोहित जी और बिना राज पुरोहितायन की अनुमति के मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करो भाई। हाँ, चिंता मत कीजिए, राज पुरोहित जी से वैद्य को अनुमति दिलाने का काम मेरा है। हमारे पास अभी भी समय है, चलिए आप मेरे साथ।
परेशानी में भगवान के पास जाते हैं। ये भगवान इलसाल के पास आया है। अरे राधिका, मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और तुम तो हमेशा से मुझे समझती आई हो। मन की बातें सिर्फ भगवान समझ सकते हैं, इंसानों में वो शक्ति कहाँ? होती है राधिका, अगर मन के तार जुड़े हुए हो तो मन की आवाज एक दूसरे तक पहुंच जाती है। क्या तुम अभी नहीं जानती कि मैं क्यों परेशान? आपको बलराम के खिलाफ फैसला सुनाना है। हाँ, और सारे सबूत बलराम के खिलाफ। पर मेरा मन नहीं मान रहा राधिका। पर आपने तो हमेशा से सबूतों को मन की आवाज से ज्यादा महत्व दिया, इसीलिए तो राधिका को गलत माना था। पर आज बात राधिका की नहीं, बलराम की हो रही है। मैं जानता हूं कि वो बेकसूर है, और अगर उसके बावजूद मुझे उसके खिलाफ सजा सुनानी पड़ी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको विश्वास है कि बलराम बेकसूर है तो ये साबित होकर ही रहेगा। एक राजपुरोहित होने के नाते आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मेरे नहीं। और अगर तुम्हें मेरे मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूं राधिका। आपको वैद्य जी को कहकर ये पता लगाना है कि इस शीशी में किस पदार्थ की गंध आ रही है, क्योंकि वही गंध गाय के चारों में से भी आ रही है जो गायों ने खाया है, और ये शीशी मटके निरोगालय से। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक षड्यंत्र है बलराम को फंसाने के। इस हद तक कौन गिर सकता है? बलराम से बदला लेने के लिए मटकी गायों को नुकसान पहुंचा रहे, मटके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर। आपके सभी सवालों का जवाब आपको कल सुबह मिल जाएगा। बस वैद्य जी एक बार बता दें कि इस शीशी में कौन सा रसायन था तो। पर अगर इस शीशी में कोई खतरनाक रसायन नहीं पाया गया तो मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो। इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। आप चाहे तो ये सवाल कर सकते हैं कि इन सब के बाद क्या बलराम निर्दोष साबित हो पाएगा या फिर नहीं। सो जा कला, कल सब ठीक हो जाएगा। नहीं भी हो पाया तो क्या, खा लूंगा 50 कोड़े। नहीं दव, ऐसा कुछ नहीं होगा। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जीत सिर्फ और सिर्फ धर्म की होगी। कहीं तू अपनी शक्ति का उपयोग करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है कला? याद रख, पहले अनुमति ले ही दी है। नहीं दव, शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अभी भी 8 घंटे हैं। सत्य हमेशा जीतता आया है और हमेशा जीतता रहेगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ, अपने आप से भी ज्यादा। आप अपना विश्वास रखिए, आपका विश्वास नहीं हारेगा।
जीत हमारी ही होगी।